हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आप लोग देख रहे हो यार, फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। दरअसल गाइस यार, मेरे पास कुछ काम नहीं था तो भाई साहब लेस्टर ने मुझे एक बढ़िया सा काम ढूंढ के दे दिया यार। ये देख रहे हो गाइस, तुम लोग को ये बड़ा सा घर दिख रहा होगा, इसी घर के अंदर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, जो कि गाइस यार रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक चालू होता है। और गाइस लगभग मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, इसलिए यार मैं इस घर के बैकयार्ड में आता हूं यहां पर चेक करने के लिए कि भाई साहब सब कुछ ठीक तो है ना यार। इसलिए गाइस यार यहां पर मैं देखने आता कि भाई साहब यहां पर कोई चोर वोर तो नहीं आया। वैसे गाइजर छोरवर तो यहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर घूमते नहीं है। दरअसल गाइजर जिस मोहल्ले के अंदर मैं ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, यहाँ पर भाई साहब बहुत सारे अमीर अमीर लोग रहते हैं, और उन्हीं में से ये एक वो घर है जो कि भाई साहब एक अमीर इंसान का घर है। और इसी के घर के बाहर यार मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ता है। और यार फिलहाल के लिए गाइजर मैं बात कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे पहले तो चेक करना है भाई साहब सब कुछ ठीक तो है ना यार। इस दीवार के इस तरफ देखता भाई, यहाँ पर कोई बंदा आकर तो नहीं बैठा हुआ ना यार, क्योंकि गाइजर रात का टाइम तो मेरा होता है सिक्योरिटी गार्ड का काम करने का, और दिन के टाइम जो बंदा आता है वो तो थोड़ी देर में आता ही होगा, वो तो आ जाएगा भाई थोड़ी देर बाद। मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई है। एक सेकंड भाई, पहले तो टाइम देख लो, ये देखो भाई 8:13 हो गए। देख रहे हो गाइस मेरी ड्यूटी भाई 8 बजे खत्म हो गई थी, फिर भी यार 13 मिनट तक यहाँ पर मैं अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ यार। चलो यार फिलहाल तो यार मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ भाई ठीक ठाक तो लग ही रहा है। और यार ये जो घर का मालिक है अभी तक उठा के नहीं, चलो यार लगता है ये तो सो ही रहा होगा घोड़े बेचकर। मुझे क्या करना भाई, मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई, मैं तो अभी जाने वाला पड़ा अपने घर पे। और एक बार देख लो भाई सारे दरवाजे तो बंद है यार, ये पीछे वाला दरवाजा बंद है कि हाँ भाई ये तो बंद है, और भाई यहाँ पर भी एक खिड़की है ये बंद है कि अभी हाँ चलो भाई ये भी बंद है। तो चलो गाइस यार सब कुछ बंद है, तो चलो गाइस अभी मैं फटाफट से यहाँ से निकल सकता हूँ अपने घर पे जाने के लिए। अबे भाई घर पे जाकर मस्त तरीके से सोऊंगा। कल रात को गाइस आपको पता है यहाँ पर भाई मुझे बैठकर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो गाइस यार बैठे बैठे भाई साहब मैं बैठकर मूवी देखने लग गया था। देख रहे गाइस मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर रहा हूँ, और भाई साथ ही साथ बैठकर आराम भी कर रहा हूँ यार। लगभग यार गाइस मुझे कुछ काम तो नहीं होता, बस यार रात भर बैठना होता है और भाई सुबह उठकर यहाँ से जाना पड़ता है। बट यार गाइस जो दिन के समय मजा आता ना यार भाई घूमने उमने का, वो मैं कर नहीं पाता यार। अगर गाइस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है ना भाई, रात भर जागना होता है और भाई दिन भर सोना होता है। मतलब भाई रात भर जाऊंगा तो यार दिन भर तो सोऊंगा ही ना यार। इसलिए गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और घर पे जाकर भाई मस्त तरीके से सोऊंगा, और सीधा भाई रात के 7-8 बजे उठूंगा, अपना टिफिन बॉक्स लूंगा और भाई वापस से काम पे आ जाऊंगा। देख रहे हो गाइस कितनी नॉर्मल सी लाइफ हो गई है, सुबह सो जाओ, रात में उठ जाओ, काम पे जाओ और भाई घर पे जाकर सो जाओ। भाई साहब पहले की तरह जिंदगी कहाँ रही अब मेरी। गाइस अब तो मैं सिंचन और चौप के साथ भाई साहब गेम भी नहीं खेल सकता, ना ही घूमने जा सकता। देख रहे हो भाई कितना ज्यादा बिजी हो चुका हूं मैं। यार कोई बात नहीं गाइस, छुट्टी तो यार मिलती नहीं है मुझे, बट यार एक दिन ऐसा करूंगा एकदम मस्त तरीके से छुट्टी निकालूंगा, और भाई सिंचन और चौप के साथ मस्त तरीके से कहीं घूमने चलूंगा, या फिर भाई कहीं डिनर करने चलूंगा 5-स्टार होटल में। हाँ हाँ भाई ऐसे ही करता है। वैसे गाइस मैंने आपको अपनी सैलरी नहीं बताई, गाइस यार मेरी मंथ की सैलरी पूरी 1,00,000 रुपए। हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, एक सिक्योरिटी गार्ड को मिलती है 1,00,000 रुपए की सैलरी। गाइस मैंने आपको पहले कहा था यार, जिस घर के बारे में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ वो जो बंदा है भाई वो बहुत ज्यादा अमीर है यार, वो ऐसे 1,00,000 रुपए मुझे भी देता है, और भाई सुबह के टाइम पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी भाई 1,00,000 रुपए दे देता है। बट यार गाइस आपको पता है जो सुबह का सिक्योरिटी गार्ड है उसको भाई बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसको तो गाइस कभी कभी वो जो अमीर इंसान है जिसके घर के बारे में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ उसके घर का भाई काम भी करना पड़ता है यार। देख रहे हो गाइस मेरा काम तो पूरा शॉर्ट है। खैर कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर मैं भी ज्यादा बात कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करते, फटाफट से चलते घर पे, और घर पे जाकर पहले सिंचन और चौप से मिलते हैं। बट यार गाइस जब तक मैं अपने घर पे जाता हूँ उससे पहले मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने शिवांश भाई को, इनका बर्थडे है 7 दिसंबर को। तो शिवांश भाई आपका बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार शिवांश भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट, और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है लकी भाई को, इनका बर्थडे है 27 अक्टूबर को। तो लकी भाई आपका बर्थडे अगले महीने में आने वाला है, तो लकी भाई आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट, और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना आगे शाउट आउट जाता है अर्जुन भाई को, इनका बर्थडे आता है 9 जुलाई को। तो अर्जुन भाई आपका बर्थडे 2-3 महीनों पहले हो गया, फिर भी यार अर्जुन भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट, और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस आप सभी का शाउट आउट मेरे वीडियोस के अंदर, तो एक काम कर दो गाइस अभी का वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और गाइस कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर से लिखना, ताकि गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं अपने वीडियोस के अंदर। बट यार फिलहाल के लिए गाइस यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलता हूं घर पे, और भाई घर पे जाकर पहले सिंचन और चॉप से मिलता हूं, लेट्स गो। अरे चिंटू चले काम कर दे, फटाफट से कहीं पर घूमने चलते हैं बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी के अंदर। अरे हाँ बहन, तो तूने तय कहा यार, भाई तो हम लोगों ने बोले टाइम पे हमारी लैम्बोर्गिनी निकाली नहीं है, एक काम करते कहीं पर घूमने चलते आज। अरे वही तो बोल रहा, चल फटाफट से निकलते कहीं घूमने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेहतर, अभी निकलते हैं। आधा यार बहते बेल, मैंने अपनी जो लैम्बोर्गिनी की ताबी है वो अपने तात में रख ली है, अभी फटाते आते निकलते और भाई चलेंगे माउंटी लाल के पास घूमने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था कि माउंटी लाल के पास चलेंगे घूमने के लिए, बड़े टाइम हो गया हम लोगों ने माउंटी लाल देखा नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा यार, आधा बताते
से बेहतर निकलते आते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलता है चिंकी को भी ले लेते साथ में। क्या कहा, चिंकी को भी लेना है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, चिंटू चिंकी को ले सकते ना साथ में अगर तू चाहे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल ले लेते हैं। तलियाल पताते आते तलते अपने माउंटीलाल के पास बदल, पहले तो चिंकी को लेना पड़ेगा। लेट गो, तलते पताते एक सेकंड देखते के देखते के, ये क्या यार, ये तिंतराल तो अब गल के बाल क्या कर ले। अरे छोड़ना चिंटू, काइन के पास रुक रहा है, हम लोग को जाने में लेट हो रहा है। अरे हाँ लेट तो होने दे यार, बस देखते के दयाल तिंतन को तो हम लोग बता दे हम लोग घूमने डाले। अच्छा ठीक है चल बता देते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तिंतन तो अब क्या कर ले तुम दोनों यहाँ पर? अरे कुछ नहीं चिंटू, हम दोनों तो यार यहाँ पर फ्रेंकली भैया का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं यार उनको आने में इतना लेट क्यों हो गया। अरे क्या तिंतन, तुम भी यार, तुम लोग भी यार अपने फ्रेंकली भैया का इंतजार कर ले, तुम्हें तो पता है ना वो तिकाली तिकाल का काम करता है। अरे हाँ वो तो मुझे पता है यार, बट तुझे क्या हो गया यार, तुझे कहाँ से पता चला मेरे फ्रेंकली भैया सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं? अरे वो तो पूरे मोहल्ले को पता है कि तेरे भले भैया तो फ्रेंकली भैया है, वो तिकाली तिकाल का काम करता है। और यार मुझे तो हत्या आती है तेरे फ्रेंकली भैया के ऊपर, कि यार तुम्हारे पास इतना बड़ा गल होकर भी यार तिकाली तिकाल का काम करते हो। अरे यार वो तो मेरे फ्रेंकली भैया के पास कोई काम नहीं था, तो इसलिए वो टाइम पास के लिए जाते हैं वहां पर। तीन चार, वो तो मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, और ऐसे देख कर लगता है यार तुम लोग बहुत गरीब हो गए हो, इसलिए तुम्हें तिकाली तिकाल का काम करना पड़ रहा है। अब चिंटू के बच्चे अपना मुंह बंद रख भाई साहब, मेरा दिमाग खराब होगा ना भाई, यहीं पर काट लूंगा तुझे मैं। अरे हाँ हाँ, तो अब मुझे पता है तू काटने के अलावा कल ही काट सकता है। हाँ तो भाई निकल जाए यहाँ से, दिमाग मत खराब कर रही हो मेरा भाई साहब, कलवार रोज सुबह आकर मुझे बर्गर खिलाता है, तेरी तरह नहीं भाई यहाँ पर आकर हमारी बेइज्जती मारता है। अरे भाई टॉप दाल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तो तिंतन को ये बताने आया था कि यार मैं और बैंतन डाले हमारे बलिया थे लंबोलगली के अंदर घूमने के लिए, वो भी माउंटीलाल के पास। माउंटीलाल के पास क्या काम, माउंटीलाल घूमने जा रहे हो? तो चले यार चिंटू, मैं भी चलता तुम्हारे साथ में। तिंतन वो तो मुझे पता ही था कि यार तू गरीबों की तरह मेरे पीते पलने वाला है, इतने यार मैं तुझे बताने आ गया था। तुझे पता अभी मैं और बैंतन वहां पर जाएंगे, मत तलीके थे माउंटीलाल के यहाँ पर घूमेंगे, और भाई तब बाद में अपने लंबोलगली के साथ फोटो भी निकालेंगे। अरे वही चिंटू चल रहे यार, मैं भी आता तुम्हारे साथ में फिर। आला तिंतन मैंने कहा ना मैं तुझे अपने दाँत ले जाने वाला, और यार दाते दाते यार मेरे लंबोलगली के अंदर बस दो ही लोग बैठ सकते हैं। क्या कहा, इसके अंदर बस दो ही लोगों की बैठने की जगह है? अला बिल्कुल बिल्कुल तिंतन, क्योंकि यार ये जो लंबोलगली रियाल इसको बस अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं। और यार तुम लोग रहे गरीब लोग, और यार तुम्हारे पास तो गरीब वाली बदबू भी आती है, तब तो यार मैं तुझे कभी भी अपने लंबोलगली के अंदर नहीं बिताऊंगा। क्या कहा तूने, मुझे गरीब कहा? अला बिल्कुल बिल्कुल, और यार मुझे तो ये भी पता है तेरे फ्रेंकली भैया बहुत गरीब है, इसलिए अभी तो एक काम कर भाई, तो अपने फ्रेंकली भैया का यही पर इंतजार कर, मैं और बैंतन चले आते घूमने के लिए। अरे वही चिंटू मेरी बात तो सुन ले। आला तल तल निकल तिंतन गलीब ताले, तुझे पता है तेरे वीडियो को तो कोई लाइक भी नहीं करता, मेरे वीडियो को तो सब लोग लाइक करते हैं। अरे वही चिंटू तूने मेरे सब्सक्राइबर्स को कहा? आला बिल्कुल बिल्कुल, तभी लोग गलीब है गलीब, तुम लोग भी गलीब हो। अरे वही चिंटू के बच्चे रुक जाते हो तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आला तल निकल ताले गलीब। चिंटू मजा आ गया यार, तूने तो आज एकदम तगड़ी वाली बेइज्जती मार दी सिंचन की तो। आले वो तो मुझे पता ही था यार, ये तो तिंतन का बच्चा ये है ही बहुत बड़ा गलीब, और ललित की औकात भी नहीं हमारे साथ में घूमने की। अरे बिल्कुल बिल्कुल चिंटू, तू बस ही बोल रहा है, अब एक काम करते पहले तो चिंकी को लेते, बाद में चलेंगे माउंटीलाड के ऊपर। आता ठीक है बैंतन, अभी चलते चिंकी के गल पे। लेट्स गो लेट्स गो, भाई मजा आ रहा यार भाई अपनी बाइक को राइड करते हुए। देख रहे हो गाइस यार मैं अपनी बाइक को क्या ही भगाते हुए जा रहा हूँ, बट एक सेकंड यार मैं तो एक जरूरी चीज भूल गया। अबे यार मैं तो सिंचन और चौक के लिए रोज बाहर से बर्गर लेके जाता हूँ, बट यार इस बार तो मैं भूल गया यार, ऐसे कैसे भूल गया? अबे यार मुझसे गलती होगी, खैर कोई बात नहीं यार, उनको बोल दूंगा भाई इस बार मैं भूल गया, कल लेकर आऊंगा उनके लिए दो दो एक्स्ट्रा बर्गर से यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, पड़ा से निकलते घर की तरफ, और भाई इस बार तो मुझे उनको मनाना पड़ेगा, बट यार एक दिन तो वो लोग मुझे समझ कर ले ही सकते यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, पड़ा से चलते घर पे, और भाई ऊपर से मुझे नींद भी बहुत आ रही यार, बीच में गाइस यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया था। खैर कोई बात नहीं गाइस, पड़ा से चलते घर पे, और भाई सिंचन और चॉप से मिलते। एक सेकंड भाई, सिंचन और चॉप घर के बाहर ही है यहाँ पर, ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई सिंचन चॉप क्या कर रहे हैं घर के बाहर? कुछ नहीं फ्रेंकली भी हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, बट आपको बता भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चिंटू और बैंटन आए थे। क्या कहा, चिंटू और बैंटन यहाँ पर खेलने आए थे? अब्बा नहीं भाई, कल वे खेलने नहीं आए थे वो लोग, तो भाई क्यों आए थे वो तो बताओ। दरअसल भाई कल वे मैं तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं फ्रेंकली भाई मैं आपको बताऊंगा। अब भाई दोनों में से कोई भी एक बता दो, फटाफट से बता दो यार क्यों आए थे वो दोनों यहाँ पर। दरअसल फ्रेंकली भाई आपको पता है, जब भी हम लोग आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, तभी यहाँ पर चिंटू और बैंटन यहाँ पर आए थे अपनी लंबोर्गिनी को लेकर, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार वो अपने लंबोर्गिनी के अंदर माउंटीलैंड के ऊपर घूमने जा रहे थे, और भाई उसके बाद में कल वे सिंचन ने उसको कहा कि भाई साहब मुझे भी अपने साथ में ले चलो। फिर भाई उन दोनों ने उसको मना कर दिया, और भाई कहा कि तू सबसे बड़ा गरीब है, और तेरे जो फ्रेंकली भाई भाई वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, इसलिए भाई उनको लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है। और भाई उसने ये भी कहा, और भाई उसने ये भी कहा कि तुम्हारा जो फ्रेंकली वो सबसे बड़ा गरीब है, और ऊपर से उसको सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करना पड़ता है। हाँ फ्रेंकली भाई उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि हमारे वीडियो को कोई लाइक ही नहीं करता, और ना ही चैनल को भी कोई सब्सक्राइब करता है। अब भाई जा मुझे पागल मत बनाओ। अरे नहीं यार फ्रेंकली भाई हम लोग आपको पागल क्यों बनाएंगे, मैं सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है भाई छोड़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, छोड़ो यार ये लोग तो ये सब करते रहेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ यार जाकर फटाफट से सो जाओ। क्या कहा फ्रेंकली भाई आपको सोने की पड़ी हुई है? हाँ तो भाई मैं क्या करूँ यार, भाई साहब सोना तो क्या करूँ यार, रात भर भाई साहब मैं जग कर आया हूँ, और तुम लोग चाहते हो मैं जाकर चिंटू और बैंटन से बात कर लू।
हूँ। हाँ यार, जाकर उनसे बात कर लो या फिर अभी के अभी हमें घूमने ले चलो। क्या आप घूमने ले चलो तुम लोग को? भाई मुझे बड़े जोरों से नींद आ रही, मैं तो नहीं आ रहा कहीं घूमने के लिए। अब भाई कल आप भी क्या घूमने चल, नहीं तो भाई साहब हम दोनों अभी क्या घर छोड़ के जाने वाला है। क्या कहा घर छोड़ के जा रहे हो? अरे यार फ्रैंकली भाई चौप ने बिल्कुल सही कहा यार, अब अगर हमें अभी घूमने नहीं लेकर गए तो यार अभी हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। अब भाई यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई, पागल हो गए तुम दोनों? नहीं नहीं यार फ्रैंक भी अभी घूमने चलो यार, नहीं तो यार मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा और यार खाना भी नहीं खाऊंगा। अब यार ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, देख रहे हो गाइस ये चिंटू और बैंटन आकर सिंचन को भड़का कर जाते और उसके बाद में दोनों मेरे ऊपर आ जाते। यार लगता है भाई मुझे इन दोनों को आज घूमने ले जाना पड़ेगा। वैसे भी यार भाई बहुत टाइम हो गया इन दोनों के साथ में कभी घूमने नहीं गया था मैं। चलो गाइस कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ जाकर पहले तो अपने कपड़े बदल के आता हूँ, उसके बाद में चलता भाई इन दोनों को लेकर के घूमने के लिए। बट यार कहाँ पर जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता भाई चिंटू और बैंटन के पास ही चलता हूँ, इसने कहा था ना भाई माउंट चिल्ड्रन के पास जा रहा है। हाँ भाई एक काम करता हूँ वहीं पर चलता हूँ, पहले तो अपने कपड़े बदलता हूँ। तो फाइनली गाइस यार मैंने अपने कपड़े बदल लिए, अभी यार फटाफट से चलते हैं सिंचन और चॉप के साथ मस्त तरीके से घूमने के लिए। और उसके लिए गाइस यार मेरे पास एकदम बढ़िया सी कार है, वो भी अपनी जीप है यार। चलो गाइस यार मैं आप सभी को दिखाता हूँ मेरे पास कौन सी जीप है। ये देखो भाई एकदम बढ़िया सी जीप है यार मेरे पास, जिमिनी, इसका नाम भाई मैंने रखा था जिमिनी। और यार आपको पता गाइस यार ये जो जीप है भाई मस्त तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकती है। एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यार, इसके आगे तो भाई मॉन्स्टर ट्रक भी फेल है यार। भाई साहब मैंने इसको कहाँ से खुदाई गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। ये देखो भाई पलटी हो गई, बट यार इसको 2 मिनट नहीं लगेगा सीधा करने के लिए। देखा गाइस हो गई सीधा और भाई वापस से पलटी हो गई यार। देख रहे हो गाइस क्या ही बढ़िया अंदाज में नीचे लेकर आया मैं अपने कार को। खैर कोई बात नहीं गाइस, इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आता क्योंकि गाइस यार ये कार बनी इसी चीज के लिए यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, इन दोनों को फटाफट से ले चलता हूं मस्त तरीके से घूमने के लिए। आओ भाई फटाफट से बैठ जाओ। क्या कहो फ्रैंकली, हम लोग पक्का जा रहे हैं? अरे बिल्कुल जा रहे हैं भाई, फटाफट से बैठ जाओ। अरे वाह भाई अब तो मजा आएगा यार, हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। अब हाँ भाई कल भाई चल चल फटाफट से, मैं भी बैठ गया हूँ। अरे हाँ भाई वो तो मुझे पता है, सबसे पहले तू ही तो बैठता भाई ऊपर आकर। अब बिल्कुल भाई कल तो सही कहा। अब बता भाई कहाँ पर ले जा रहा घूमने के लिए? मैंने तो सोचा भाई हम लोग जाएंगे माउंट चिल्ड्रन के पास। क्या कहा माउंट चिल्ड्रन के पास? बट यार वहाँ पर तो ऑलरेडी चिंटू और बैंटन गए हुए ना। अरे वहाँ पर नहीं भाई, मैं किसी और जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पर भाई तुम्हें मस्त तरीके से झरना दिखाऊंगा। और तुम्हें पता भाई बीच रास्ते में एक बड़ा सा ब्रिज भी पड़ता है, उसके ऊपर रुक कर भाई तुम दोनों की फोटोज भी लूंगा। क्या कहा फोटोज भी लोगे? तो चल यार मजा आएगा आज तो। अरे बिल्कुल भाई जरूर से मजा आएगा। तो चलो गाइस निकलते पड़ा माउंट चिल्ड्रन की तरफ। और भाई बीच रास्ते में जो जो चीजें आएंगी ना यार, मैं आप सभी को सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा। तो चलो गाइस यार आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और आपने अभी तक इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी का भी वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार सिंचन और चॉप के लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। तो इसी बात पे कर देना गाइस अभी का भी वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और यार गाइस अभी तो फटाफट से निकलते हैं माउंट चिल्ड्रन की तरफ, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले माउंट चिल्ड्रन के पास में। दरअसल गाइस यार माउंट चिल्ड्रन तो अभी थोड़ा दूर है, बट यार उससे पहले हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है यार, वो जो ब्रिज मैंने आपको कहा था ना गाइस, जहाँ पर मैं सिंचन और चॉप की फोटो लेने वाला हूँ। ये रहा वो ब्रिज सामने, देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा बड़ा ब्रिज है। यहाँ पर गाइस यार मैं बचपन में आता था अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए। और एक बार तुम लोग गाइस देखो यार ये ब्रिज भाई कितना ज्यादा ऊंचाई के ऊपर है। और अगर यहाँ पर राइट साइड में अगर गाइस आप लोग देखोगे यार, तो भाई साहब कितना ज्यादा पानी भी बह रहा है यार। एक काम करता भाई यहीं पर अपनी कार को रोकता हूँ और भाई सिंचन और चॉप की यहाँ पर फोटोज लेता हूँ। अब्बा नहीं भाई कल मैं तो नीचे नहीं उतरने वाला, भाई साहब मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अब तो भाई पहले इतनी एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहा था? अब वो तो बस ऐसे यार तुम्हारा दिल रखने के लिए। अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आ जा भाई सिंचन एक काम कर, यहाँ पर ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जा। अभी क्या अभी तेरे मस्त तरीके से 2-3 फोटोज निकाल दू। अरे हाँ फ्रेंकली भाई निकालो निकालो एकदम मस्त वाली फोटोज निकालना। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई सिंचन बैकग्राउंड तो एकदम बढ़िया आ रहा है यार, रुक जा भाई थोड़ा नीचे से लेकर देखता हूँ। भाई साहब एक काम करूंगा इनमें से 2-3 पिक्चर्स की भाई साहब फोटो फ्रेम बनाऊंगा। अच्छा ठीक है फ्रेंकली भाई जैसे आपको, वैसे आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भाई साहब वो गाड़ी वाला थोड़ा पास से चला गया यार, रुक जा भाई वापस से तेरी फोटोज निकालता हूँ। अरे हाँ थोड़ा जल्दी निकालो यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और नीचे देख कर तो यार मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। अरे हाँ भाई सिंचन थोड़ा आराम से खड़ा रही हो, अगर भाई तेरा पैर भी पिसर गया ना भाई दिक्कत हो जाएगी। अरे आप फिक्र मत करो यार आप बस फोटोज निकालो। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई सिंचन थोड़ा एक काम कर भाई, थोड़ा हाथ ऊपर ले ले यार, थोड़ा ऊपर लेकर भाई एकदम मस्त वाली फोटो आ सकती है। अच्छा ठीक है देखो ले लिया हाथ ऊपर में। अरे वाह भाई क्या बढ़िया पोज मारा है, और भाई थोड़ा और 2-3 पोज मार। अरे हाँ बिल्कुल अभी मारता हूँ, रुको यार एक काम करता थोड़ा और पीछे की तरफ चलता हूँ, और यार यहाँ पर यार बैक साइड से फोटो निकालना। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई अभी निकालता हूँ, भाई सिंचन थोड़ा ज्यादा आगे मत जाइयो। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड़े रहता हूँ, देख रहे हो गाइस मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बढ़िया फोटो आ रही थी। और यार नीचे देखो यार कितना ज्यादा पानी पिया, एक सेकंड। अरे गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। अरे बचाओ 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 बचाओ।
हूँ। अरे एक सेकंड भाई, सिंचन नीचे गिर गया। अबे भाई सिंचन कहाँ पर चला गया? अबे भाई कलवे क्या हो गया यार? अबे यार एक सेकंड भाई, सिंचन नीचे गिर गया पानी के अंदर। अबे तो चल भाई कलवे फटाफट से नीचे जाकर उसको ढूंढते हैं। अबे यार मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर यार, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ यार। बट एक सेकंड भाई, गाड़ी वाले दिमाग खराब कर रहे हैं यार इनको भाई, ज्यादा टाइम नहीं किया। अबे छोड़ो भाई साहब, एक औरत अभी निकलो ना आंटी यहाँ से, दिमाग खराब कर रही है यार। फटाफट से निकलते भाई, फटाफट से यहाँ से। और भाई नीचे जाकर देखते भाई सिंचन आखिरकार गिरा कहाँ पर है। देख रहे हो गाइस यार, मेरी गलती के कारण भाई साहब सिंचन नीचे गिर गया यार। मुझे क्या जरूरत थी भाई साहब सिंचन के यहाँ पर रुका कर उसकी फोटोज निकालने की? भाई साहब इतनी ज्यादा ऊंचाई से सिंचन नीचे गिरा हुआ है, बस यार उसको लगी ना हो। बट यार गाइस यार नीचे बहुत ज्यादा पानी है, बट यार सिंचन को तैरना भी नहीं आता। अबे यार ये कहाँ पर फंस गया मैं, दिमाग खराब हो जा रहा है यार। खैर गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से यहाँ से नीचे चलते हैं। और पहले तो मैं अपने सिंचन को ढूंढते, पता नहीं भाई कहाँ पर है। अब भाई कर लो, मुझे ऐसा लगता है वो पानी के अंदर गिरा होगा और भाई वहीं पर बेहोश हो गया होगा। यहाँ का बेहोश हो गया हो? अबे तब तो भाई चौब उसको कुछ भी हो सकता है। अबे तो भाई कल क्या करेंगे अभी हम लोग? अबे वो तो मुझे भी नहीं पता। तो एक काम कर भाई, फटाफट से नीचे उतर और भाई तू उस तरफ जा भाई सिंचन को ढूंढने के लिए। अबे नहीं भाई कल मैं नहीं उतरने वाला, मेरी तो फट गई है। अबे यार ये चौब किसी काम का नहीं है यार। खैर गाइस कोई बात नहीं, काम करता हूँ मैं सिंचन को ये कहीं पे आसपास में ढूंढ लेता हूँ। हेलो भाई सिंचन तू यहाँ पर है? भाई मुझे सुन पा रहा है? हेलो भाई सिंचन यहाँ पर है क्या तू? रुको गाइस एक काम करता हूँ, पानी के अंदर चलता हूँ। जाओ क्या भाई पानी के अंदर? मुझे तो डर लग रहा है यार। खैर कोई बात नहीं, जाकर देखते पानी के अंदर यहाँ पर भाई कोई खतरनाक सी मछली ना हो यार। बस लेट्स गो भाई, यहाँ पर नीचे मुझे कहीं सिंचन तो दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हो गाइस यार मैं पानी के अंदर अपना सर डाल के भाई तैर रहा हूँ, बट यार यही कहीं पे सिंचन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हेलो भाई सिंचन यहाँ पर है क्या तू? हेलो भाई सिंचन? अब यार सिंचन दिखाई नहीं दे रहा यार। लगता है गाइस यार सिंचन भाई सच्ची में डूब गया यार। अब मैं सिंचन को भाई कैसे बचाऊंगा? एक सेकंड भाई यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर भाई कौन सी मछली है? कहीं गाइस यार इस समंदर के अंदर, मतलब यार इस बड़े से झरने के अंदर कोई खतरनाक सी मछली तो नहीं जिसने सिंचन को खा लिया? अबे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यार मैं सिंचन को कैसे ढूंढूंगा यार? लगता है गाइस यार मुझे अभी पुलिस को कॉल करके बुलाना ही पड़ेगा। वही यार अपनी कोई स्कूबा डाइविंग वाली कोई अपनी फोर्स लेकर आएंगे और भाई सिंचन को ढूंढ लेंगे। बट यार तब तक अगर सिंचन को कुछ हो गया तो? अब यार मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई तो भाई सिंचन को बचाओ। अरे हेलो भाई सिंचन तू यहाँ कहीं पे आसपास में है क्या? हेलो भाई सिंचन? अबे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अबे एक काम करता हूँ, मेरे पास तो बाइनोकुलर स्कोप भी है, एक काम करता हूँ उसी को निकालता हूँ और भाई उससे सिंचन को ढूंढता हूँ। सिंचन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई साहब, मैं अपने बाइनोकुलर भी लेकर आया हूँ बट यार अभी तक मुझे कहीं पर सिंचन नहीं दिखाई दे रहा। हेलो भाई सिंचन तू यही कहीं पे है क्या आसपास में? हेलो हेलो भाई सिंचन? अबे यार मेरी आवाज तो उसको जाएगी नहीं। बट यार गाइस मैं काम करता हूँ, थोड़ा वो सामने की तरफ देखने के लिए ट्राई करता हूँ। आई होप यार मुझे सिंचन दिख जाए और भाई उसके बाद में जाकर मैं सिंचन को एटलीस्ट बचा तो लूँ। अरे वाह यार आज तो मजा आ गया बढ़िया तरीके से नींद लेकर। अब यार एक काम करता हूँ, इस तालाब के अंदर मस्त तरीके से कुछ मछलियां ढूंढता हूँ और उनको पका कर खाऊंगा, मजा आएगा। चलो यार फटाफट से ढूंढता हूँ। एक सेकंड भाई यहाँ पर ये कौन गिरा हुआ है? लगता है किसी की थैली वैली गिरी होगी। अरे नहीं नहीं ये तो कोई इंसान का बच्चा लगता है। अरे हाँ ये तो सच्ची में किसी इंसान का बच्चा है, बट यार ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? हेलो बच्चे तो ठीक है? हेलो बच्चे हेलो? अरे यार ये तो बात नहीं कर रहा है, लगता है यार ये तो बेहोश हो गया है। पता नहीं यार इस बच्चे को क्या हो गया है, कहीं यार ये बच्चा इस तालाब के अंदर से तैर के यहीं पर तो नहीं आ गया? अब यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अरे भाई सिंचन तू यही कहीं पर आसपास में है क्या? हेलो भाई सिंचन? हेलो भाई सिंचन तू मुझे सुन पा रहे? तो भाई प्लीज मुझे आवाज दे यार। एक सेकंड यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? रुको यार मुझे देखने दो, यही कहीं से आवाज आ रही थी ना वो। रुको यार एक बार जाकर देखने दो, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है क्या? हेलो भाई कोई है यहाँ पर? एक सेकंड यार यहाँ पर भी एक इंसान खड़ा हुआ है और यार अपने बाइनोकुलर से किसी को ढूंढ रहा है। कहीं यार वो उसी बच्चे को तो नहीं ढूंढ रहा? अरे हाँ लगता तो ऐसा ही है। लगता है यार वो जो बच्चा है वो यार ऊपर से गिरा होगा इस ब्रिज के ऊपर से और वो बंदा नीचे आकर इसको ढूंढने लग गया है। और यार ऊपर से ऐसा लगता है ये बच्चा भी बेहोश हो गया है। एक काम करता हूँ, अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता हूँ और इस बच्चे को वापस से होश में लाता हूँ। बट यार अगर मैंने इसको होश में लाया तब यार इसके पास में कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स आ जाएगी, तब यार ये बच्चा अपने मन के अंदर कोई भी चीज मांग ले उसको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे के लिए तो इतना मैं कर सकता हूँ। चलो यार कर ही देता हूँ। ओम ब्रेम श्रेम, ये बच्चा फटाफट से होश में आ जाए। ड्रीम ड्रीम ड्रीम। अरे एक सेकंड यार ये मैं कहाँ पर हूँ? अरे बच्चे मैंने तेरी जान बचाई है और यार यहाँ पर तू है ना यार, ये मेरे कारण है तू। बट यार ऐसे कैसे यार, मुझे तो जितना याद आ रहा है कि यार मैं इस ब्रिज के ऊपर से गिरा था। अरे वाह वाह मेरा जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। आजा आजा बच्चे मैं तुझे अपने घर वालों से मिलवाता हूँ। क्या कहा सच्ची में यार, आप मुझे मेरे फ्रेंडली भी ऐसे मिलवाओगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। बट यार बच्चे मैंने अभी तुझे जिंदा तो कर दिया, मतलब यार तू बेहोश था, बट यार मैंने अभी तुझे होश में तो ला दिया है। बट यार उसी के साथ साथ यार तेरे अंदर कुछ मैजिकल पावर्स भी आ गई है, उसके बारे में मुझे तुझे बताना होगा। क्या कहा मेरे पास में अभी मैजिकल पावर्स है? अरे बिल्कुल बच्चे। बट यार पहले तो तेरा जो घर वाला था वो यहाँ पर तुझे ढूंढ रहा था, आज उससे बात करता है। कहाँ पर मेरे फ्रेंडली भैया जरा बताओगे? अरे ये देखो ये रे तुम्हारे फ्रेंडली भैया। अरे ओ फ्रेंडली मेरी बात सुनो। अरे कौन है भाई? अरे यार मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ बोलो भाई क्या हो गया, एक सेकंड गिरा क्यों रहे हो यार? अरे ये देखो तुम जिसको ढूंढ रहे थे ये रहा वो। अरे एक सेकंड भाई सिंचन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे वो तो फ्रेंकली भाई मुझे भी नहीं पता यार।
यार। बट यार ये जो भैया यार ये कह रहे थे यार इन्होंने मेरी जान बचाई है। क्या कहा इन्होंने तेरी जान बचाई है? अरे बिल्कुल बिल्कुल मैंने इसकी जान बचाई है और साथ ही साथ मैंने इसको कुछ मैजिकल पावर्स भी दे दी है जिनका इस्तेमाल करके जो चाहे वो मांग सकता है। क्या कहा भाई ये जो चाहे वो मांग सकता है? अरे बिल्कुल बिल्कुल अगर बच्चे तुझे शक हो रहा है तो यार एक काम करियो अपने मन के अंदर कोई भी बढ़िया सी चीज मांग ले तुझे सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा ऐसी बात है तो रुक भी मांग कर देखता हूँ। बट यार क्या मांगू कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। फ्रेंकली भी आप ही बता दो यार क्या मांगू। सिंचन भाई तू एक काम कर भाई कुछ इम्पॉसिबल सी चीज मांग के देख ले क्या पता भाई आ जाए। अरे हाँ बिल्कुल अभी मांग कर देखता हूँ। चलो अभी एक काम कर यार यहाँ पर अभी मेरे सामने पड़ा से बहुत सारा गोल्ड आ जाए। और यार ये लो फ्रेंकली भाई यहाँ पर आ गया बहुत सारा गोल्ड। अरे हाँ भाई सिंचन यहाँ पर तो सच में आ गया यार देगा मेरे मैजिकल पावर्स का कमाल। अब जाओ और यार जो चाहे सब कुछ मांग लो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अरे थैंक यू सो मच भैया आपने मेरी जान भी बचाई और मुझे बढ़िया सी मैजिकल पावर्स भी दे दी। अरे कोई बात नहीं बच्चे जाओ मजे करो। अब भाई कल अपना सिंचन मिल गया। अरे हाँ चौप यार देख यार मैं आ गया वापिस है। अब तू देख यार मैं क्या क्या मांगता हूँ। चलो अभी एक काम करो यहाँ पर अभी पड़ा से एकदम बढ़िया सी गोल्ड की सुपर कार आ जाए। और यार ये देखो फ्रेंकली भाई यहाँ पर तो सच में गोल्ड की सुपर कार भी आ गई। अरे वाह यार तो क्या ही बढ़िया लग रही है। चलो चलो फ्रेंकली भाई एक काम करते इसी के अंदर घूमने चलते हैं। अरे बेलकर बेलकर भाई सिंचन रुक जा चौप को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं यार चौप को मत लेना मुझे पता यार चौप ने मुझे ढूंढा नहीं है वो जब से अपने गाड़ी के ऊपर ही खड़ा है। अरे हाँ भाई सिंचन तुझे कैसे पता चला? मुझे तो यार फ्रेंकली भाई सभी के दिल की बात भी समझ आती है। अरे वाह भाई ये तो बढ़िया पावर्स आ गई तेरे पास तो। हाँ बिल्कुल यार चलो चलो अब तो मजा आएगा यार। हाँ भाई मजा तो आने वाला यार। बटर गाइस आप लोग देख रहे हो यार सिंचन तो वापस आ चुके हैं और भाई सिंचन के पास भी बढ़िया पावर्स आ गई है। मैं तो सोच रहा गाइस यार अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए उसके बाद में भाई घर में जाकर भाई बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवाएंगे। अगर गाइस आपको आगे देखना भाई हम लोग कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवाते हैं तो गाइस आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। और गाइस आपको आज की वीडियो मजा आए तो एक काम कर देना गाइस अभी कभी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मैं और सिंचन मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।